बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम इंसानों ने ऐसे मशीन्स बना लिए हैं जिससे लिटरली हम हर चीज़ मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये छोटा सा मशीन है, इसको आप सब जानते हैं, इसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। कोविड के दिनों में आपने अगरचे कुछ नहीं ख़रीदा होगा, लेकिन कई मेडिकल इक्विपमेंट्स ख़रीद ली। उन सारे में से ये एटलीस्ट एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है। इसका काम बहुत आसान है, आप इसको ऐसे फिंगर पे प्लग इन कर लेंगे, आप ये छोटा सा बटन दबाएंगे। अब जैसे ये बटन दबता है, इसमें से एक रेड लाइट निकलती है। ये लाइट आपके उंगली के ज़रिए आपके ब्लड में जाती है और आपके जो खून में जो ऑक्सीजन की मात्रा मेजर करती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा ऑक्सीजन अल्हम्दुलिल्लाह 97-98 हो गया है। ओके, तो ये छोटा सा मशीन हमने डेवलप कर दिया इतने बड़े काम के लिए। लेकिन इन्हीं साइंटिस्ट को आप पूछेंगे कि अगर आपके पास हर मशीन है, तो क्या आपके पास ऐसा मशीन है जिससे आप इंसान की जो ताकत है, जो हमारी पोटेंशियल है, उसे मेजर कर सकते हो? तो साइंटिस्ट वहाँ गिव इन कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई, हमारे पास वो सारे मशीन है जो किसी भी चीज़ का फिज़िकल मैनिफेस्टेशन मेजर कर सकते हैं। इंसान की ताकत का जो मैनिफेस्टेशन है, हम उसे मेजर कर सकते हैं, लेकिन इंसान की जो ताकत का जो पोटेंशियल है, हमारे पास उसके लिए मशीन नहीं है। इसका कारण ये है कि हमारी जो ताकत है, उसकी मैनिफेस्टेशन ये बॉडी है, जिस तरह हमारा ब्रेन हमारी बॉडी यूज़ करते हैं। लेकिन इस ताकत के पीछे जो सोर्स है, वो हमारा जो हार्ट है, ये फिज़िकल हार्ट नहीं, बट हमारा जो स्पिरिचुअल हार्ट है, जहाँ पे हमारी बिलीव्स रहती है, जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं, ये वो आत्मविश्वास वो सेंटर है। और वो खुद हमारी बिलीव्स एक ऐसे डिवाइन चार्जर से अटैच्ड है जो खुद अनलिमिटेड है। इसीलिए जब हम जितना उससे अपने आप को अटैच करते हैं, हमारी ताकत भी अनलिमिटेड होती जाती है, और इसीलिए इसको मेजर करना इम्पॉसिबल है। अब इसी चीज़ को एक बहुत साइंटिफिक तरीके से एक स्कॉलर ने समझाया है, उनका नाम है ग्रेग ब्रेडन, और ये है उनकी किताब। किताब का नाम है स्पॉन्टेनियस हीलिंग ऑफ बिलीफ। बहुत पावरफुल बुक है। ग्रेग ब्रेडन की खुद ये ताकत है कि वो स्पिरिचुअलिटी और साइंस को ब्रिज करना जानते हैं। तो जैसे इस किताब में खुद वो कई साइंटिफिक और अमेजिंग रिसर्च सुनाएंगे, बट उसके साथ ही वो क्रिश्चियन टेक्स्ट को रेफ़र करेंगे, गौतम बुद्ध को रेफ़र करेंगे, इस्लाम में वो बहुत सी बार इस किताब में जो ईरान के मशहूर पोएट, वो ऐसे पोएट जिनकी पोइट्री में डेप्थ ऑफ मैसेज रहते थे, जिनका नाम था रूमी, रूमी को कहा जाता है द शेक्सपियर ऑफ ईरान। ग्रेग ब्रेडन अपनी कई बातों को बताने के लिए रूमी को कोट करते हैं। ये पूरी किताब इन्होंने एक ही थीम पे लिखी है कि हमारे पास बिलीव्स हैं, वो बिलीव्स हमारे हार्ट स्पिरिचुअल हार्ट में रहती है। अब जैसी बिलीव्स होगी, वो बिलीफ असर करती है हमारे ब्रेन पे, वो ब्रेन को मैसेज भेजती है, और वो ब्रेन फिर बॉडी में मैसेज भेजता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए वो कई रिसर्चेस बताते हैं, जैसे मशहूर एग्जांपल है प्लसीबो और नोसीबो इफ़ेक्ट। प्लसीबो इफ़ेक्ट हम सब ने सुना है, जहाँ पर आप एक बीमार आदमी है, जेन्युइनली बीमार, उसको एक दवाई देते हो, आप उसे कहते हो कि ये लाइफ सेविंग दवाई है। दवाई के अंदर सिर्फ मीठा पानी, शक्कर का पानी है, वो शक्कर का पानी पीता है ये बिलीव से कि वो दवाई है, और उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। ये प्लसीबो इफ़ेक्ट है, कई रिसर्च से आप गूगल करिए। इसके ऑपोजिट नोसीबो इफ़ेक्ट है। नोसीबो इफ़ेक्ट क्या है? उसका उल्टा और डेंजरस। अगेन, बीमार आदमी है जिसे असली बीमारी है, आप उसको असल दवाई देते हो,
लेकिन क्योंकि उसके बिलीफ सिस्टम में है, बिलीफ यहाँ नहीं है, बिलीफ यहाँ भी नहीं है, वो कहाँ और है, उसका मैनिफेस्टेशन यहाँ पे है, उसके बिलीफ सिस्टम में है कि ये दवाई मुझे नहीं बचा सकती, तो अगर चे जेन्युइन लाइफ सेविंग ड्रग उसे दिया जाता है उसके बावजूद वो दवाई उस पर काम नहीं करती है। ये कोविड के दिनों में हमने देखा है, कई ऐसे लोग डॉक्टर्स कहते हैं जो बच सकते थे लेकिन एक टाइप ऑफ फियर साइकोसिस, आईसीयू में रहने का साइकोसिस कि यहाँ हम मर जाएंगे, और आईसीयू ऐसी जगह है जिसे मेडिकली बनाया गया है इंसान को बचाने के लिए, लेकिन कुछ दिन पहले एक पहले की रिपोर्ट है कि कई लोग आईसीयू में मर रहे हैं कोविड के कारण नहीं, लेकिन आईसीयू का जो एनवायरनमेंट है, वो साइकोसिस जो फियर आ रहा है उसके कारण। और एक रिसर्च ग्रेग ब्रेडन बयान करते हैं कि जो उन औरतों में देखा गया जो हमेशा कहती थी अरे हमें तो हार्ट अटैक आएगा, इतना स्ट्रेस है हार्ट अटैक आएगा, इन औरतों में पाया गया हार्ट अटैक का चांस 4 times था। इसी किताब में और भी रिसर्चेस हैं, मैं एक और पावरफुल रिसर्च आपसे बिलीफ की रिसर्च शेयर करता हूँ कि कैसे बिलीफ हर चीज़ पूरे साइंस को चेंज कर देता है। 1950s की स्टोरी है, रॉजर बैनिस्टर नाम के ये रनर थे, एथलीट। रॉजर बैनिस्टर जिस ज़माने में दौड़ते थे उस ज़माने में 100 years तक एक रिकॉर्डेड बिलीफ थी कि इंसान जितना चाहे तेज दौड़ ले, जितना भी फास्ट दौड़ना है दौड़ ले, इंसान में क्षमता ही नहीं है कि वो 1 mile की दूरी 4 minutes से कम वक्त में पार कर सके, इसे द 4-minute बैरियर कहा गया। तो पिछले 100 साल तक जितने रिकॉर्ड्स बनते सारे 4 minutes प्लस, और एक बिलीफ बन गई कि ह्यूमन बीइंग में क्षमता ही नहीं है। लेकिन रॉजर बैनिस्टर आए 1954 में इंग्लैंड में, वो दौड़े और ऐसा दौड़े कि उन्होंने वो 1 mile का बैरियर 3 minutes and 59 seconds में पूरा कर दिया। और ये साइंस, डॉक्टर्स, इन सब के लिए एक अजूबा था, लेकिन अगेन रॉजर बैनिस्टर ने कैसे किया, ऑफकोर्स बहुत प्रैक्टिस करते थे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ बिलीफ थी, उनकी बिलीफ इतनी थी कि कहा जाता है उन्होंने अपने रनिंग शूज़ जूतों में भी एक कागज़ लिया और उस पर 3 minutes and 59 or 58 seconds लिख के डाल दिया, ताकि वो हर एंगल से अपने आप को बिलीव करा रहे थे कि मैं ये कर सकता हूँ। तो यहाँ की ये है, आपको सक्सेसफुल होना है तो पहले अपनी एक्शंस को मत वे करिए, उसके पीछे बिलीव्स क्या है। और ये सच्चाई हर रिलीजन में पाई जाएगी, क्रिश्चियनिटी में गॉस्पेल ऑफ थॉमस है, उसमें लिखा गया है कि जब तुम दुआ करते हो अगर दुआ के साथ बिलीफ रखोगे कि दुआ पूरी होगी, तो अगर तुम कहोगे पहाड़ हिल जा, पहाड़ हिल जाएगा, माउंटेन्स विल मूव। हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म की जेन्युइन टीचिंग्स को समझना है तो स्वामी विवेकानंदा से बेहतर आलिम नहीं। वो खुद कहते थे कि अगर खुदा में भी विश्वास रखना है ना, तो उसके पहले खुद में आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, सेल्फ बिलीफ, फिर वो बिलीफ ट्रांसलेट होएगी बिलीफ इन गॉड, फेथ इन गॉड में। इसलिए उनकी वो मशहूर लाइन थी जो वो हमेशा हर लिटरली हर स्पीच में कहते थे, अराइज अवेक, उठो और जागो, ये कथा उपनिषद में से लिया था उन्होंने, और रुको मत जब तक तुम्हारा हदफ नहीं मिलता है, यानी उठो वो बिलीफ के साथ कि गोल पार हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुदा से भेजा हुआ सबसे जो लेटेस्ट डिवाइन रिलीजन दीन इस्लाम, दीन इस्लाम की भी टीचिंग्स में यही मिलता है कि तुम्हें बिलीफ, सेल्फ बिलीफ रखनी है कि तुम जो दुनिया में आए हो रिप्रेजेंटेटिव खुदा का खलीफा हो, तुम्हारे अंदर वो सारी स्ट्रेंथ्स है, वो डिवाइन पावर्स है कि तुम वो जो कुन फयकून, यानी आप कहोगे बी एंड इट विल बी, उस मेयार तक पहुंच सकते हो हर इंसान के लिए ये। लेकिन पहला कंडीशन अप्लाइड है सेल्फ बिलीफ, इसीलिए कुरान मजीद की सूरा नंबर 13 है, सूरा 13 का नाम है सूरे राद, थंडर,
और ये आयत भी थंडरिंग आयत है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं तुम्हारी कंडीशन नहीं बदल सकता हूँ, आई विल नॉट चेंज योर कंडीशन अनलेस एंड अनटिल यू चेंज योर ओन कंडीशन। और आपको पता है, एक लाइव एग्जांपल दूँ, ये जो कुरान की अरबिक आयत है ना, ये मुझे आती है, लेकिन मेरे माइंड में कहाँ पे मैंने ये बिलीफ डाल दी थी कि रिकॉर्डिंग के वक्त मैं ये आयत नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन वरना मैं नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ये आयत बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वो बिलीफ थी तो मैंने बोली नहीं। लेकिन अगरचे यहीं ट्राई कर लेते हैं, लेट्स बिलीव कि मैं ये बोल पाऊँगा, तो लेट्स ट्राई इट। इन्नल्लाहा, अल्लाह सुब्हान अल्लाह कहते थे, श्योरली अल्लाह, ला युगय्यिरु, श्योरली अल्लाह विल नॉट चेंज, मा बिकौमिन, अल्लाह विल नॉट चेंज योर कंडीशन, हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। मैंने सिर्फ एक वर्ड के लिए हेल्प लिया यहाँ से, लेकिन मैंने वो आयत पूरी कर कह दी, इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु बेअन्फुसिहिम मा बेअन्फुसिहिम। देखिए, थोड़ी बिलीफ का मैंने चार्ज अपने आप को, जितना अब मैं जितना लड़खड़ाया वो मेरी शॉर्टकमिंग इन बिलीफ थी, वरना वो आयत मेरे ब्रेन में थी, लेकिन जितनी बिलीफ देते जाऊंगा उतना बेटर। पर अल्लाह ने क्या कहा कि आई विल नॉट चेंज योर कंडीशन। जब तक तू बिलीफ ले आ, एक मिनट पहले तक मुझे एक वर्ड नहीं याद आ रहा था, लेकिन जैसे बिलीफ लाते गया वो आयत स्ट्रांग होते गई। तो अब कंक्लूजन, नेक्स्ट टाइम कोई गोल बनाओ, कोई हदफ बनाओ, प्लान एक्शन को करो, लेकिन उसके पीछे बिलीफ भी चेक करो। अगर जब फेल होते हो, सक्सेस नहीं मिलता है अपने, जब फेल होते हैं तो अगेन उसके पीछे बिलीफ को चेक करो कि भाई बिलीफ क्या थी। आपको पता है, वो रॉजर बैनिस्टर के एग्जांपल से कंक्लूड करते हैं, जो रिकॉर्ड 100 साल तक नहीं टूट रहा था, रॉजर बैनिस्टर ने जब तोड़ा वो रिकॉर्ड, अगले कुछ ही महीनों में फिर से टूट गया। यानी एक इंसान ने बिलीफ लाई और उसके बाद आज तक 18 बार वो रिकॉर्ड टूट चुका है विद इन अ फ्यू ईयर्स। लेकिन जब एक इंसान बिलीफ दिखाता है, उसके फैमिली मेंबर्स भी बिलीफ दिखाएंगे। तो बिलीफ एंड बेस्ट ऑफ लक, और खुदा हाफिज़।